फाइट कर रहे हैं। रुड़की नगर निगम के गेट पर पार्षदों द्वारा मेयर गौरव गोयल का खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि ये जो मेयर गौरव द्वारा टेंडर प्रक्रिया निरस्त की गई है, ये बिल्कुल गलत की गई है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के विकास कार्यों में रोड़ा बन के काम कर रहे हैं मेयर गौरव। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के पार्षद, क्या मामला है सर, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ रुड़की सामान्य जनता को बताना चाहता हूँ कि 9 महीने पहले हमारे लगभग 9 महीने हो गए रुड़की नगर निगम के चुनाव को हुए। हमारे निगम के बोर्ड पूर्ण रूप से निगम के साथ में है और रुड़की विकास के लिए साथ में है, लेकिन कल जो रुड़की नगर निगम गौरव ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है, रुड़की के साथ में जो धोखा किया है, उन्होंने 6 करोड़ के जो विकास कार्य के टेंडर हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। उसके साथ में उसके खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जिस विश्वास के साथ में हमें यहाँ से निगम में भेजा है विकास के लिए, उसी के साथ रुड़की नगर निगम मेयर धोखा कर रहे हैं। उन्होंने जो टेंडर किए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त, और टेंडर जो 45% तक हमारे निगम में जा रहे हैं उस टेंडर को उनको कहीं ना कहीं खटक रहा है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के होने की कोई गुंजाइश नहीं है। निगम के जो ठेकेदार हैं वे अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसी विरोध में उनके साथ में। हमारे साथ रुड़की नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद भी हैं बेबी खन्ना जी, उनसे जानते हैं ये तो गौरव गोयल जी के ऊपर आज प्रदर्शन का जो करा जा रहा है उनके लिए तो क्या है पूरा प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है 9 महीने से विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए, अब टेंडर हुए विकास के लिए। अगर PWD है या की हमारी नगर निगम है, इससे पहले टेंडर हुए 40% पे, क्या उन्होंने विकास नहीं करा, इन्होंने बिल बना दिए, अच्छा काम नहीं किया। अब दोबारा जब विकास के लिए 81 काम का टेंडर हुआ, पहले 9 महीने से नहीं हो रहे थे, अब काम का टेंडर हुआ, तो पार्षदों को अपने वार्ड में जाकर ये बताना है कि हम सड़क बनवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने अकेले अपने तानाशाही के चक्कर में उन टेंडरों को रुड़की के विकास को रोकने के लिए वो कैंसिल करा दिए, जबकि वो टेंडर होने चाहिए और विकास के लिए मौके पे खड़े हो। अगर ठेकेदार काम सामग्री सही लगा रहा उसका पैसा रोका जाए, ये थोड़ा है कि अगर कोई आदमी कंपटीशन पे टेंडर ले रहा और अच्छे काम कर रहा तो उसके टेंडर होने चाहिए। तो इसमें मुझे तो इनकी मिली हुई कोई साजिश लग रही, उसकी वजह से इन्होंने टेंडर कैंसिल करे, और ये न्याय हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे और इसमें धरने प्रदर्शन भी करेंगे, जनता को बताएंगे। अभी ये हमारा पहला एपिसोड है, आज हमने शुरू करा, अब हम 2-3 दिन में एक एपिसोड और बताएंगे जो जनता के हितों के काम नहीं हो रहे। फेसबुक से रहने में काम नहीं होते, काम प्रैक्टिकल करने से होंगे। आज पूरे शहर के अंदर जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लोग कहते हैं लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी कम है। तो मेरा कहना यह है ये न्याय प्रक्रिया नहीं है, इन्होंने गलत किया और वो बिल्कुल गलत है। हम पार्षद बहुमत के हैं और ये हमारे कोई लड़ाई नहीं है भाजपा से किसी से, सब एकजुट है, हमें विकास कराने हैं, हमारे को जनता ने चुना, हम विकास के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। नितिन त्यागी हमारे साथ है, इनका कहना है कि मेयर गोयल गए पूरे बौखला गए हैं, क्या कहना बताओ आप? मैं कहना चाहता हूँ कि 9 महीने में अब टेंडर हुए थे, अब गौरव गोयल जी ने कैंसिल कर दिया, हम जनता को क्या जवाब देंगे जब आपने पूरी प्रक्रिया कर दी है? तो सर आपने कैंसिल किस बात से कर दिया है? ये गौरव गोयल की गुंडागर्दी यहाँ रुड़की में नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। आज जब तक ये विकास कार्य आपने करे थे ये आपने कैंसिल करे, ये 30% 40% बिल हो जा रहा है तो उसमें जाएगा। आपने क्या कहा था, आपने एक एजेंसी करी थी IIT से, तो आप उससे जांच कराए, आप घर में पहले ही बता दोगे लिंटर डाले नहीं, लिंटर गिर जाए कैसे गिर जाएगा, जहाँ सड़क बनाओ उसके बाद तो पता चलेगा, ऐसे कैसे कर दिए आप? ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो मुझे काम हुआ था वो उन्होंने कह सकता हूँ क्या जवाब देंगे हम? अरे लाइट है, ये लाइटों की फेसबुक पर डाल देते हैं, 3000-4000 लाइटें डाल दी तो फेसबुक पे चल रही हैं क्या लाइटें? हमें जनता का जवाब देना पड़ता, दो लाइट नहीं लगी पाई, हम क्या जवाब दें जनता को? एक गुंडागर्दी गौरव गोयल की नहीं चलेगी अब बिल्कुल नहीं नगर निगम में। कभी तो आप उनके साथ रहते हो, कभी उनसे अलग रहते हो, तो उसको लेकर फिर बताइए। नहीं, हम जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए मैं बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जनता के लिए, जिन्होंने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, मैं 9 मिनट पार्षद तो हूँ, जनता ने मुझे वोट देकर यहाँ भेजा है, जो जनता के काम नहीं होंगे चाहे मुझे किससे भी लड़ना पड़े मैं उससे लड़ूंगा। टेंडर प्रक्रिया में जनता व्यक्ति दिखाई दे रहा है सबको, नहीं सड़कें बनेंगी जनता चलेगी, हम सब सारी जनता चलेगी इसमें कोई ऐसी बात है, सब चलेंगे इसमें, गौरव गोयल का क्या इसमें है, ऐसे की टेंडर कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नियुक्त करवाना चाह रहे हैं आप? हमें तो अपने लाभ के लिए लग रहा है कि अपना लाभ होगा इसमें कुछ, इसलिए इन्होंने टेंडर निरस्त कराया। तो गौरव गोयल अपने लाभ के लिए टेंडर निरस्त करवा रहे हैं, आइए जानते हैं सलेमपुर के पार्षद है हमारे साथ, आप बताओ जी टेंडर निरस्त हुए हैं इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो?
ये टेंडर सृष्टि हुए, इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अपना व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ हो सकता है। हमारे यहाँ नया क्षेत्र है, पहले 20 वार्ड होते थे, आज 40 वार्ड है, 40 वार्ड में नए 20 वार्ड हमारे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ 10 साल तो चुनाव को हो गए, 10 साल बाद हमारे लगभग चुनाव हुआ है। 15 साल पहले जो सड़क बनी हुई थी वो आज क्या कंडीशन सड़कों की आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जो 15 साल पहले सड़क बन चुकी थी। कुछ एरिया ऐसा है हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल आज तक सड़क बनी ही नहीं। जनता हमसे जिस अपेक्षा से जनता ने हमको जिता के नगर निगम में भेजा है वो हमारे से अपेक्षा रखती है, बार बार हमारे से पर्सनल करती है। भाई कितना बजट है लगभग ये जो अभी टेंडर पर किया गया? ये 6 करोड़ का बजट था, 6 करोड़ के टेंडर से जो ये निरस्त करने की प्रयास कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आज हमें पता चला एक बार के माध्यम से कि ये जो 6 करोड़ के टेंडर हुए थे और वो मेयर साहब जो है निरस्त करने का प्रयास। आपसे पहले भी मेयर साहब वार्तालाप कर चुके हैं, उनसे वार्तालाप कर चुके हैं, आप तो घर में विकास साहब कुछ करवाने हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लग रहा था कि अभी तक कोई निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुए, पहले से टेंडर हुए थे उसमें हमारा एक मेरे वार्ड का भी एक काम निकला था और उसको भी 2 महीने हो गए। अब जो है ये जो टेंडर एक ऐसे टेंडर है, ये अब से 1 महीना पहले निकले थे, फिर किसी कारणवश वो कोविड का बहाना भरा इन लोगों ने कि वो 1 महीने बाद टेंडर हुए, फिर आज फिर पता लगा कि ये जो 81 टेंडर थे 6 करोड़ के लगभग टेंडर थे, ये मेयर साहब निरस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने जब ये टेंडर हुए थे, जब ये टेंडर हुए तो हमने अपने क्षेत्र के जनता को कहा कि हमने भाई कुछ तो काम शुरू हुआ, जो हमने काम दे रखा था टेंडरों में मेयर साहब ने हमारे पूछा था कौन कौन से काम देने, जो जो हमने काम दिए थे हम क्षेत्र के उन गलियों के लोगों को हमने कहा तुम्हारा काम इतना सुचारू रूप से शायद चल जाएगा, टेंडर हो गया पास हो जाएगा, वर्क ऑर्डर मिल गया, ठेकेदार को काम शुरू हो जाएगा। फिर वो लोग आज एक बार पढ़ने के बाद हमें फोन के माध्यम से पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, टेंडर कैंसिल क्यों करा दिए, तो हमें कहीं ना कहीं क्षेत्र के टेंडर पूरी प्रक्रिया से हो गया पक्का हो गया। अखबार में तो आज हमने यही पढ़ा है कि टेंडर निरस्त हो गया, मीडिया के माध्यम से आपको पता है। तो आपको लगता है कि जो टेक्निकल अधिकारी हैं इनका क्या कहना है? फेसबुक पे भी अपने टेक्निकल अधिकारियों से तो हमारी अभी तक कोई मामले बात नहीं विकास के साथ हमारे साथ भाजपा के पार्षद हैं और भाजपा की इनकी निगम में सरकार भी और भाजपा की गौरव गोयल मेयर भी है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। राणा जी ये जो टेंडर पर क्या निरस्त हुई है उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, थोड़ा जो टेंडर निरस्त किए गए हमें मालूम हुआ अखबार के माध्यम से, हमारे सभी पार्षदों ने कहा। पार्षद पति संजीव तोमर भी हमारे साथ है, इनका आरोप है कि जो रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल है वो पूरे भ्रष्टाचार की तरह से लिप्त हो चुके हैं, वह क्या कहना चाह रहे हैं आपका भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गौरव गोयल पे? मैं आरोप ही लगाना चाहता हूँ, जैसे हमारी उत्तराखंड में सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, नगर निगम के अंदर भी हमारा बोर्ड है लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रों को टेंडर नहीं मिल रहे हैं यहाँ से और कमीशन के चक्कर में सब टेंडर निरस्त कराए जा रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। तो किस तरह का भ्रष्टाचार आप कह रहे थे? भ्रष्टाचार जैसे टेंडर हुए हैं 6 करोड़ के, उन्हें निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें वो कमेटी निर्णय लेगी, बात करें हमें वो पावर था उसकी निरस्त करने का अधिकार है। कितने विकास कार्य आपके क्षेत्र के हैं ऐसे जो उन्होंने रोक दिए? मेरे क्षेत्र में 4 सड़कें बननी थी और मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, मैंने जनता से वादा कर रखा है सड़कों के लिए लेकिन गौरव गोयल ने टेंडर ही निरस्त कर दिए हैं। आपकी पत्नी भाजपा चुनी गई पार्षद है और यहाँ के मेयर भी भाजपा के ही हैं, अब क्या होगा? भाजपा के मेयर अब मैं जीते हैं जो मैं भाजपा के सिंबल पर नहीं जीते, वो वैसे सिंबल पर निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन वो भाजपा की रीति नीति जो भाजपा की जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है उत्तराखंड में उसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं नगर निगम के अंदर। हमारे साथ भाजपा की जो महिला पार्षद है उनसे भी जानते हैं, आपके क्षेत्र में कितने कार्य रुके हैं और कितने आप उनसे संतुष्ट हैं? हमारे इसमें अभी क्षेत्र में 3 टेंडर थे जो अभी जो ओपन हुए थे 3 टेंडर और मैं जनता तो अब जवाब हमें देना पड़ेगा। कितने कार्य रुके हैं टोटल? 3 कार्य। 3 कार्य मेयर साहब अभी तक सही काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? भाई अभी तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो पहले के टेंडर थे वो तो हो ही रहे और अब मेरे क्षेत्र में तो सही हो रहा है, मैं क्या बोलूं। तो सारे इनके क्षेत्र में सही काम हो रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल जी, इनसे जानते हैं जो आज पार्षदों द्वारा ये जो प्रदर्शन किया गया है मेयर गौरव गोयल जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर वह क्या कहते हैं। सर आपका दैनिक रुड़की न्यूज़ पोर्टल में स्वागत है, धन्यवाद। आज रुड़की नगर निगम के गेट के बाहर पार्षदों द्वारा जो टेंडर प्रक्रिया निरस्त की गई है उसको लेकर आपके ऊपर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो विकास कार्य के बीच में आप रोड़ा बन रहे हैं, विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं, 45% की ये जो कमीशन का मामला है उसको लेकर आप क्या कहना? देखिए
सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जून के माह में हमने 101 टेंडर किए थे विकास कार्यों के लिए, जिनके काम शुरू हो चुके हैं। जहाँ जहाँ वो काम चल रहे हैं, सब जगह से मुझे लगातार शिकायतें आ रही हैं, लिखित में भी शिकायतें आ रही हैं, जनता भी आ रही है कि ठेके द्वारा गुणवत्ता के अंदर कमी की जा रही है। जो रेशो सरकारी मानकों पे दिया हुआ है, जो चिनाई का रेशो है, जो सीमेंट सीसी का रेशो है, जो नाली निर्माण का रेशो है, जो प्लास्टर का रेशो है, जो कच्चा कार्य करने का रेशो है, वो रेशो के टेंडर मैंने पहली बार हिंदी में बनवाए, शायद आज से पहले आपने कभी ना देखे हों। रुड़की में जनता से मैं अपील करता हूँ, किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में आपने शायद हिंदी के टेंडर कभी ना देखे हों। मैंने घर घर जाके हिंदी के टेंडर देने का प्रयास किया। क्यों? सिर्फ पारदर्शिता के कारण। अच्छी सड़क बने, सड़क 10 साल चले, जैसा कि मेरा चुनाव में वादा था कि सड़क में हम पारदर्शिता देंगे, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता देंगे, परचेजिंग में पारदर्शिता देंगे। यहाँ वर्षों से जो स्ट्रीट लाइट आती थी वो 2100 रुपये की आती थी 3 साल की गारंटी के साथ, हमने स्ट्रीट लाइट खरीदी 1300 रुपये की 5 साल की गारंटी के साथ, पारदर्शिता लाने के लिए, कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं। हमने 81 टेंडर हुए थे, हमारे पे 25 पार्षदों ने लिख करके दिया कि जहाँ जहाँ हमारे काम चल रहे हैं, रोल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ठेकेदार जो है वो सीमेंट का प्रयोग कम कर रहे हैं, गुणवत्ता का प्रयोग बिल्कुल कम से कम किया जा रहा है, सड़कों की मोटाई कम करी जा रही है, लगातार रोज आ रही शिकायतों के कारण ये टेंडर मैंने निरस्त किए। और ये निविदा समिति का अध्यक्ष होने के कारण मेरे अधिकार क्षेत्र में है। दूसरी बात, मेरा ये पूर्णतः प्रयास है कि शहर के अंदर जो भी सड़क बने, और मैं अपील करता हूँ रुड़की नगर की जनता से, सीधी सीधी अपील करता हूँ, आपके घर के बाहर कोई नाली, कोई सड़क, कोई खड़ौंजा, कोई सीसी रोड, कोई टाइल्स की कुछ भी बने, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी भी बराबर की है। अगर कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता तो सीधे सीधे आप मुझे लिखित में दें, उसकी IIT और CBRI जाँच तो मैं निश्चित रूप से कराऊँगा ही, और उसकी कमी आने पर निश्चित रूप से उसे दंडित होना पड़ेगा। तो ये जो टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है? हाँ, ये टेंडर हमने निरस्त कर दिया है, 81 टेंडर्स, और हम निश्चित रूप से, हमारा प्रयास ये है कि जो 40 के 40 पार्षद हैं, मैंने उन्हें ही बोला है कि यहाँ खड़े होकर कुछ पार्षद राजनीति कर रहे हैं वो ना करें और अपने क्षेत्रों में जाएं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जाँच करें, वहाँ खड़े हों और तसले गिनवाएं, कितने सीमेंट के डल रहे हैं, कितने रेते के डल रहे हैं, ठेकेदार क्या कर रहे हैं, कोटसेंट बड़े टोकरों से घेर रहे हैं और रेता बड़े टोकरों से गिर रहे हैं। कुछ पार्षदों का कहना यह है कि जब तक ये निर्माण कार्य शुरू नहीं होंगे उससे पहले ही आपने निरस्त कर दिया, तो ऐसा क्यों? निर्माण कार्य 101 जून में कर दिए गए थे, जिनके काम लगभग 80% हो चुके हैं, उन कामों के अंदर लगातार कमियां मिल रही हैं, तो नगर निगम का पैसा बर्बाद ना जाए। टेंडर के बाहर में किया गया, नगर निगम का पैसा बर्बाद ना जाए, 2 साल में सड़क टूट जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? टैक्स का पैसा है, लोगों की, जनता की जेब का पैसा है। सड़क बने तो कम से कम 10 साल सड़क चलनी चाहिए, सनत के रूप में होना चाहिए कार्यकाल। पार्षदों का कहना तो ये भी है कि आपके द्वारा जो आप कहा गया था कि जो आप घर घर जाके टेंडर की हिंदी में छपवाएगी पत्रिका बांटेंगे, वो भी नहीं बांटी गई। अधिकांश में मैंने बांटी है, आपको वीडियो देखी आपने, बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, लोगों ने स्वयं भी करी हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इन्हीं पार्षदों को बोलता हूँ कि जो आपके वार्ड के अंदर जहाँ आप बोल रहे हैं हिंदी के टेंडर्स नहीं बटे हैं, आप मेरे से लेके जाइए, बांटिए, मौके पर खड़े होइए, काम की गुणवत्ता चेक कीजिए, आपका नाम होगा, जनप्रतिनिधियों का नाम होगा जब वो अच्छा कार्य कराएंगे, जब वो अच्छी सड़कें मौके पर खड़े होकर बनवाएंगे। तो मेरी सभी पार्षदों से भी अपील है, जाएं और मौके पर अच्छी सड़क बनवाएं। उनका कहना यह है कि जो आपने टेंडर प्रक्रिया की जो पत्रिका हिंदी बांटी है, सिर्फ आपने फेसबुक या नेतागिरी कर रहे हैं सिर्फ उस पे। उनका सिर्फ ये आरोप आपके ऊपर है? अरे मेरे से लेके जाओ ना, आपको लगता है आपके वार्ड के अंदर नहीं बटी, अगर किसी में छूट गई है तो आप मेरे से हिंदी के टेंडर लेके जाओ, आप बांटो, जाओ वहाँ मौके पर जाके अच्छा काम कराओ, किसी भी ठेकेदार के साथ किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी गुणवत्ता में। हर काम के IIT से जांच कराऊंगा, कमी आने पे काम ब्लैकलिस्ट भी होंगे, श्रमदान की श्रेणी में जाएंगे, स्पष्ट रूप से करता हूँ। और इस प्रकार की जो ये दबाव बनाने का राजनीति है, मेरे साथ अधिकांश पार्षद मेरे साथ हैं, कुछ एक पार्षद हैं जिनका मन कुछ खराब रहता है, और उन्हें मैं हिंदी के टेंडर देता हूं, जाके बांटिए और अपने क्षेत्र के अंदर विकास कराइए, अच्छी क्वालिटी की सड़क बनवाइए ना, आपकी प्राथमिकता क्वालिटी होनी चाहिए। मेरी प्राथमिकता सिर्फ सड़कों की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का सड़क बने। और आपको एक बात और कहता हूँ, रुड़की नगर की जनता को स्पष्ट रूप से इस चैनल के माध्यम से, जो भी समस्याएं हैं सड़क संबंधी, कहीं भी कोई गुणवत्ता की शिकायत हो तो मुझे लिखित दें, तुरंत लिखित दें, उस पर तुरंत कार्रवाई करूँ।